आज कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लुप्त हो चुकी है, लिहाजा अब प्रियंका वाड्रा जी जो उत्तर प्रदेश में बार बार आ रही हैं, ये अपने परिवार के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आ रही हैं, क्योंकि यहां कांग्रेस को कोई जानता ही नहीं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस किस बला का नाम है। और जो बात उन्होंने कही कि हम रिजर्वेशन देंगे, 40% महिलाओं को देंगे और ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे, ये लोक लुभावने वादे 60 वर्षों कांग्रेस को झेला है देश ने। आतंकवाद की आग में भी झोंका, भ्रष्टाचार की आग में भी झोंका, अब कोई छलावे में कांग्रेस के आने वाला नहीं है। एक शौचालय तो आप दे नहीं सके, तो महिलाओं को 40% रिजर्वेशन की बात आप किस मुंह से करने आई हैं। यहाँ पर आपने एक शौचालय नहीं दिया 60 वर्षों में हमारी महिलाओं को, माताओं बहनों को, जो इज्जत घर में बैठकर आज इज्जत के साथ में शौच करने जा रही हैं। तो कम से कम आदरणीय मोदी जी ने कम से कम इसकी चिंता तो कर ली कि देश के करोड़ों करोड़ लोगों को और उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ से ज्यादा शौचालय देकर हमने लोगों को सम्मान दिया है, उनको सुरक्षित करने का काम किया है कि कम से कम सड़क पर शौच नहीं करें हमारे देश के लोग। ये तो कांग्रेस ने शौच करने के लिए सड़क पर मजबूर किया था लोगों को, किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया था किसानों को। आज किसान संपन्न हो रहा है आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में। तो इसलिए कांग्रेस को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए यहां पर घूमना पड़ रहा है। बाकी कांग्रेस का यहां कुछ नहीं रह गया, देश में ही लोगों ने उनको खत्म कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश में तो 32 साल पहले ही निकाला हो गया था।